देखिए दोस्तों, कई बार हम अपनी ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारी ड्रिल मशीन की पिट कई बार टूट जाती है झटका लगने से। तो उस दौरान हम कर कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई बिट नहीं है तो। दोस्तों एक पेपर लेंगे, सबसे पहले कोई भी पेपर ले सकते हैं और एक टुकड़ा काट लेंगे पेपर का। जैसे मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से हमें कैंची चाकू की सहायता से एक टुकड़ा कट कर लेना है। देखिए दोस्तों, एक टुकड़ा इस प्रकार से काट लेना है। और अब हमें करना क्या है, देखिए जोन से किनारी सीधी है, बिल्कुल सीधी, उसकी तरफ से हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड बिल्कुल बारीकी से करना है, टाइट, बिल्कुल टाइट करना है शुरुआत से। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल टाइट फोल्ड करना हमें, कोई गैप नहीं देना बीच में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें फोल्ड करते जाना है। देखिए अब जैसे ये आ चुकी है, ये फोल्ड इस तरह से हुई है, तो हमें इसको अंदर की तरफ कर लेना है। इस तरह से जितना अंदर हो सके उतना इसको अंदर की तरफ करना है और फिर से हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको हमें जितना हो सके अंदर करना है, इस तरफ से दबा के अंदर की तरफ रखना है, इसको बिल्कुल टाइट कर देना है। देखिए अब ये बिल्कुल टाइट हो चुकी है। और अब हमें एक टेप की सहायता से इसको यहाँ पे टेप कर लेना है। दोस्तों जो ये हमारा लास्ट वाला कागज का जॉइंट है, इसे हमें टेप की मदद से चिपका लेना है लास्ट में। इस तरह से टेप के सहारे इस तरह से चिपका लेंगे जिससे कि ये कागज खुले ना। इसको चिपका के और कट कर लेंगे। और दोस्तों इसको लास्ट वाले को पेज को इतना यहाँ से कट कर देंगे जहाँ पे टेप लगाई है, कैंची से कट कर लेंगे, कैंची से इस प्रकार से काट लेंगे। देखिए दोस्तों, यह हमने कागज़ की बिट को इस प्रकार से तैयार किया है और 101% ये काम करेगी। आपको मैं इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, अगर बाई चांस आपकी बिट टूट जाए और शॉप ना खुली हो या शॉप गांव से बहुत दूर हो, तो आप इमरजेंसी में दो चार सुराख इस तरह की बिट से आप कर सकते हो प्लास्टिक में। तो देखिए मैं आपको अभी एक सुराख करके दिखाता हूँ, हमें अपनी ड्रिल मशीन में इसको लगाना है, कैसे लगाना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमें अपने पाइप में सुराख करना है, तो हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे मार्कर से, इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। और जहाँ भी हमने सुराख करने हैं वहाँ इस तरह से गोल निशान लगा लेंगे, जितने भी सुराख करने हैं। देखिए अब जैसे मैंने ये चार सुराख करने, इसमें चार निशान लगा लिए हैं। और अब हमें करना क्या, देखिए देखिए दोस्तों, कई बार हम अपनी ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारी ड्रिल मशीन की पिट कई बार टूट जाती है झटका लगने से। तो उस दौरान हम कर कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई बिट नहीं है और नज़दीकी कोई हार्डवेयर की दुकान भी नहीं है जिससे कि हम बिट को खरीद करें और अपने काम को फिर से कर सके। अगर हम इमरजेंसी में अपना काम को करना है तो उसके लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट है और आपके बहुत ही काम आएगी। तो करना क्या हमें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, हमें अपनी इस बिट को निकाल लेना है, जो ये बिट टूट गई थी इसे इस प्रकार से खोल के निकाल लेना है। इस तरह से निकाल के फेंक देंगे और इसे हमें अपने खोल लेना है अच्छे से पूरा। और देखिए दोस्तों, जो हमने कागज़ की बिट तैयार की थी ये बिल्कुल खाली है अंदर से, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर हम दोस्तों देखिए इसको इस प्रकार से यहाँ पे डाल के और टाइट करेंगे तो कागज़ ये पूरी तरह से, तो ये कागज़ पूरी तरह से इस तरह से दब जाएगा, अच्छे से टाइट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या, देखिए जैसे ये हमारी टूटी हुई बिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी हुई बिट है, मैं इसको उल्टा करके इसके अंदर डाल रहा हूँ जिससे कि ये टाइट करने में आसानी हो सके।
देखिए इस प्रकार से मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ। ये मैंने इस प्रकार से डाल ली है। अब मैं इसको टाइट करूँगा तो टाइट आसानी से हो जाएगी। अब देखिए करना क्या है, अपनी ड्रिल मशीन को लूज कर लेना है। और देखिए मैं इस ड्रिल मशीन के अंदर इस कागज़ की बिट को डाल रहा हूँ आपके सामने। ये आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये इतनी है और इसको इस प्रकार से डाल रहा हूँ मैं, जिससे कि ये स्पॉट बन सके टाइट करने के लिए। और यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हमें करना क्या है, इसको टाइट कर देना है। अब ये आसानी से टाइट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने टूटी हुई बिट डाल दी है। ये आसानी से अब टाइट हो जाएगी ऊपर से। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए उपयोग में ले सकते हैं, परमानेंटली काम नहीं चलेगा इससे। परमानेंटली के लिए तो आपको फिर से बिट खरीदनी होगी। इमरजेंसी के लिए आप ये जुगाड़ बना के अपने काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारी बिट तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कागज़ की बिट हमने इस प्रकार से तैयार की है। आप देखेंगे कागज़ की बिट हमने इसमें ड्रिल में लगा ली है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ड्रिल मशीन इस प्रकार से यहाँ पे काम करेगी। और अभी मैं पाइप को लेके दिखाता हूँ। आप देखेंगे, आप देखिए मैंने जैसे पाइप ले लिया है और आप इसमें सुराख भी देख सकते हैं। कोई सुराख नहीं है इसके अंदर, कहीं से भी कोई सुराख नहीं है। आप अच्छे से देख सकते हो, सिर्फ एक सुराख आपको मिलेगा, जो सुराख हमने किया था जिसकी वजह से बिट टूट गई थी हमारी, ये वाला। ये देखिए आप, यहाँ पे ये सुराख आपको अंदर से दिख रहा होगा और कोई सुराख नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसमें सुराख करके दिखाएंगे। देखिए हमारी कागज़ की जो बिट है वो इस प्रकार से काम करेगी। आपको काम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। पाइप को या तो किसी मशीन में लगा के सुराख कर सकते हैं, या किसी के दूसरे बंदे से आप पाइप को पकड़वा के और तब आप सुराख कर सकते हैं। हमें इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर और इस प्रकार से चलाना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें कागज़ की बिट से अपने इमरजेंसी के लिए सुराख कर सकते हैं। कागज़ की बिट ये थोड़ी लूज बनी, जो थोड़ी सी मुड़ चुकी है, अगर टाइट होती है तो मुड़ेगी नहीं। अब देखिए मैं इसी प्रकार से इसमें और सुराख करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम अपनी इस कागज़ की बिट से इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छे से सुराख कर सकते हैं। दो चार सुराख अगर हम इमरजेंसी के लिए करने हैं तो कागज़ की बिट से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।